मेरे रश के कमल मेरे रश हल्का तबला बोलो मेरे रश के कमल ओ मेरे रश के कमल अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता जब तुझे कोई सबक ही नहीं हो सकता। ये भी बढ़िया काम है अगर के देखने से फुर्सत मिले। जब हरियाणा पुलिस 6 महीने की छुट्टी देने लग जाएगी ना ज्यादा जवान हो जाएंगे हम तो आपकी जिम्मेवारियां बहुत है। बड़ा मजे की चीज इसका दर्द कमाल है। कल ही फेसबुक पे शेयर हमने पोस्ट किया था कि अब तो लगता है कि आएगी बारी मेरी। अब तो लगता है कि मेरी ये किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। आप लोग इतनी मुश्किल में ये काम कर रहे हो आपने ये बोल रहा हूं दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा करके तो नहीं था। कौन आया है यहाँ कोई नहीं आया होगा। मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा बर्फ के टुकड़ों से बनाया था मैंने ये मकान। उसने किस तरह मेरे घर को चलाया होगा उसने किस तरह मेरे घर को चलाया होगा। और ये जो दरों दीवार पर अक्स हैं धुंधले धुंधले दीवारों पे जो थोड़े से निशान ये जो दरों दीवार पे अक्स हैं धुंधले धुंधले उसने मेरा नाम लिख लिख के मिटाया होगा। और फूल से चिपकी हुई तितली को गिराकर तो देखो वीरेंद्र जी नरवासा फूल से चिपकी हुई तितली को गिरा कर तो देखो ए हवाओ तूने पेड़ों को ही गिराया होगा। अरे यार आप इतने अच्छे शेरो शायरी समझ रहे हो यार कमाल है। मुझे लगता था कि शेरो शायरी में थोड़ा सा कई बार हाथ तंग हो जाता है स्पोर्ट्समैन का और आप जैसे अंडर ट्रेनिंग का क्योंकि टाइम नहीं मिलता है लेकिन आप लोग सुन रहे हो तो बड़ी बात है। शेरो शायरी करेंगे दोस्त आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। कह दोगे तो कर लेंगे तो बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सुने आंगन में फिर से पपीहे गाएंगे बोलसी बोलो कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। तम एक एक शेर आलो तम एक एक भाई रुको कति मेरे तो जुड़ जाओ न्यू मान लो 2 घंटे तक तुम सो गए मेरे के जुड़ जाओ माँ की सुई इतना सवाद देकर जाऊंगा तो मैं खीर में भी नहीं आऊंगा भी इतना सवाद हम सवादा में आ रहे हैं यार। दरबार साहब ने आदेश किया था पीछे कौन है भाई गजिंदर थोड़े से पीछे है करता होगा ना मत कर मत करिए। मैं बोला जी आप तक में 3 तो ला गए हो मैं तो इसे गलत समझ गया मैंने बोला आपके मत दिए तो रहे हो जय मुझे इतने प्यारे दर्शकों के बीच में आप लोगों को पैसे दे के भी आना पड़ता तो भी जरूर आता मैं। अरे तुमने क्यों रुचि वो आज से 19 साल का लड़का साहब आईजी होते थे रेशम सिंह
रिटायर हो गए, लेकिन आपने उनके साथ काम किया है। तो रेशम सिंह जी ने मेरे धुरदेवाड़ी का एक प्रोग्राम कराया था, तो सुबह कार्यक्रम करे, शाम में पेमेंट लेने पहुंच गया, एक मिठाई का डब्बा ले रहा मैं बोला जनाब नमस्कार जी, बोला हाँ भाई ऐसे ही बोलते हो, हाँ भाई वाह रविंद्र क्या हो रहा है, रेशम सिंह जी के साथ अगर उन्होंने काम किया तो इस तरह से बोलते थे। महाजी काम कुंद को सातेवाड़ी की बधाई देना है सर, वो जी वो पेमेंट सी थी, बोला एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये तुम ये भी नहीं कह सकते कि गाया बजाई के मांगा मांगो गाया बजाई के हो, और दूसरा तुम पुलिस वाले से पैसे मांग रहे हैं। तो तुम्हारा सौभाग्य है कि आपके यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन थाना मिले ना मिले आपका प्यार मिलने लग रहा है दोस्तों। सुन के सेना राधे में के बोले तमे ते गमन का बचावण खातिर एक बार बताऊं, विदेशों में कार्यक्रम, अभी जर्मनी से आया हूं पिछले महीने, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 8 शहरों के टूर थे, लेकिन एक बात बताऊं, आप जैसे दर्शक बिरला मिलता है, जो एक एक बात में बहुत ज्यादा सराह वो कम मिलते हैं, तीन तरह के दर्शक होते हैं, एक आप चुपला सुनाया साइड वाला हंस पड़िया उन्हें देखा हंस पड़े और कभी कहीं कुछ समझ जाएगा, अच्छा वो दर्शक फिर दूसरी बार कुछ तो कुछ हकी की भैया बात फिर हंस जाएगा चुपला समझ में आ गया, और फिर तीसरी में न्यू हंस जाएगा वो होपे नहीं बदल वो ही हंस पड़ेगा।